तारीफ करें सज्जन। थैंक यू जीसस। सभी ब्रांचेस अपने हाथों को हिलाकर थैंक यू जीसस। सभी ओवरफ्लो सेक्शंस अपने हाथों को हिलाकर थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद यीशु। परमेश्वर जितने भी जन परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में है, तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए, ब्लेस करे, मसा से भरे, सामर्थ से भरे, नए रास्तों को ओपन करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमेन। सो सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि क्योंकि आप परमेश्वर के जीवित भवन के साथ जुड़े हैं, सो परमेश्वर आत्मा में आपको हमेशा ही ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा, सामर्थ से भरेगा। सो अब समय बोने का है, अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीड, बेस्ट सीड को निकालें ताकि परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस कर सके। हालेलुया। इसी तरह से ब्रांचेस में भी सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि आज जो आप परमेश्वर के पवित्र स्थान पर हैं, सो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के घर की जो अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य और उसकी वैल्यू को आप समझते हैं। सो इसीलिए आप सभी जन एक मन होकर परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप एक ऑडियंस नहीं, एक वर्शिपर बनेंगे। आज अपने दिलों को खोलेंगे आप पोने के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 85 उसकी 12 में लिखा कि फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। यानी कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का फेवर हमारे साथ होता है, तो जो भी काम, जो भी बिजनेस, जो भी भूमि पर फसल, जो भी बीज हम बोते हैं, उसमें परमेश्वर हमें फल देता है, हमें फ्रूटफुल करता है, कि हमारी भूमि, हमारा बिजनेस अपनी उपज देता है, और साथ में परमेश्वर उत्तम पदार्थ भी हमें देता है, स्वर्गीय पदार्थ, हेवनली ग्रेस भी देता है, बढ़ने की सामर्थ्य लेने की, प्रोग्रेस लेने की, तरक्की करने की, आगे बढ़ने की परमेश्वर सामर्थ्य भी देता है, और फेलियर स्पिरिट को परमेश्वर खत्म भी करता है। तो वचन कहता है कि फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, बेस्ट देगा, अच्छी वस्तुएं देगा, गुड थिंग्स देगा, बेस्ट देगा, टेस्टमनीज देगा, और हमारा बिजनेस भी, हमारी भूमि भी अपनी उपज देगी। सब क्लीसिया कहें आमेन। तो यानी कि जब भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, बोते हैं, तो परमेश्वर हमारे किए हुए कर्मों का, वचन के अनुसार किए गए कामों का परमेश्वर आदर करता है, और अपनी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर हमारी लाइफ में पूरा करता है। वो क्यों ऐसा करता है, वो क्यों भला करता है, क्योंकि भजन संहिता 107 उसके 1 में क्या लिखा कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और जो कोई भी परमेश्वर में है, और जिस किसी को भी परमेश्वर ने छुड़ाया है, सो उसके छुड़ाए हुए भी सेम ऐसे ही परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मोल ले लिया दाम देकर। सो परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हम क्यों बोएं परमेश्वर के घर में, क्यों बोएं उसके कामों के लिए, क्योंकि वह भला परमेश्वर है और उसकी दया, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जब भी हम किसी अनहोली व्यक्ति के पास जाएं, ऐसी सोसाइटी में ऐसा फ्रेंड सर्कल बना लें जिसमें कि कोई भी परमेश्वर में नहीं, कोई भी अच्छा नहीं, जिसका करैक्टर अच्छा नहीं, तो उसके पास बैठेंगे, आपको पूरी स्मेल आएगी, समझ आएगी कि वो व्यक्ति कितना अपवित्र है, क्योंकि उसका मजाक, उसका ठट्ठे जो है वो नेक्स्ट लेवल पर कहीं और ही चले गए, उसकी बातों में कुछ और ही झलक रहा है, उसके डिसीजन, उसकी लाइफ टोटली इम्बैलेंस, मिसमैनेज आपको दिखेगी। वो क्यों? क्योंकि वो सारा सर्कल ही क्या है, अनहोली, अपवित्र करैक्टर से भरा हुआ जीवन है। जैसे परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पहला राजाओं 12 उसमें क्या लिखा कि इसराइली लोग राजा रहुब्याम के पास गए क्योंकि उसके पिता ने जो इसराइलियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट, बहुत ज़्यादा लिखा है कि भार बोझ डाल दिया था। तो जब राजा चेंज हुआ, इसराइलियों ने सोचा कि शायद अभी नया राजा उसका बेटा बना, तो शायद ये काइंड हार्टेड होगा, शायद ये दयालु होगा, तो आओ हम उससे विनती करते हैं। लिखा है कि परमेश्वर के आगे घुटने लगाकर परमेश्वर से विनती करने की बजाय उस व्यक्ति के पास गए जिसका पिता पहले ही इतना ज़्यादा उसने भारी बोझ डाला था, इतना ज़्यादा ही निर्दयी था, और लिखा है उसके पास जाकर विनती करने लगे कि हे राजा, तेरे पिता ने हम पर भारी बोझ डाला था, लेकिन हम तुझसे विनती करते हैं कि उस सारे बोझ को, सारी पनिशमेंट्स को, सारे फाइन्स, सारे टैक्स को तू हमारी लाइफ से हटा दे, हमें फ्री कर। तो लिखा है कि 12 उसके 11 में लिखा कि राजा ने इसराइलियों को जवाब दिया कि व्यक्ति ने, अनहोली व्यक्ति ने, जो कि परमेश्वर को नहीं मानता था, उसने जवाब दिया कि मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ पनिशमेंट्स रखी थी उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। सो वही बात के जब आप परमेश्वर को छोड़ किसी ऐसे को फॉलो करेंगे जो परमेश्वर में नहीं,
किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, किसी ऐसे जो आप आजकल करते ही हो, बॉलीवुड को, ऐसे करेक्टर्स को जो कि टोटल इल्यूजन क्रिएट किया, जो सत्य है ही नहीं, ऐसे करेक्टर्स को आप फॉलो करोगे तो आप लाइफ, आपकी बाद में रिजल्ट क्या होगा कि जो है कंडीशन उससे भी वर्स हो जाएगी। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर पर ही भरोसा रखो, उसके जो ठहराए हुए प्रभु के दास आपको दिए गए मेंटर, उन्हीं की सुनो। क्योंकि जब आप ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर में नहीं, जो खुद भटके हुए हैं, खुद एक सत्य नहीं है, एक करैक्टर को जी रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है ऐसे ही फिर आपको ताड़ना, ऐसी ही पनिशमेंट्स, ऐसी ही रिजेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। हमारे परमेश्वर को माने क्यों? क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, ताम देकर परमेश्वर ने हमें मोल ले लिया है। हालेलुया। अगर किसी काइंड व्यक्ति के पास हम कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जाएं तो किस तरह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, किस तरह से वो व्यक्ति हमारी हेल्प करता है। सो आप जानते हैं कि चर्च में लगातार कॉल्स आती हैं कि जिनके मैरिजेस नहीं हो सकती, फाइनेंशियली सिक हैं लोग, तो किस तरह से परमेश्वर का भवन फटाफट उनकी मदद करता है, कि किस तरह से विजिट टीम्स ठहराई हुई हैं, कि लोग उनके टीम्स उनके घरों में जाती, उन्हें चेक करती, जेन्युइन केसेस जो हैं उनका हल किया जाता। सो सैकड़ों हजारों लड़कियों किस तरह से शादी की गई। सो अगर आप परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पवित्र घर में, परमेश्वर के मेंटर को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें रिजेक्शन कभी सामना ना करना पड़ेगा। कि इसराइली उस व्यक्ति के पास गया जो कि परमेश्वर में था ही नहीं, उस व्यक्ति को फॉलो किया जो परमेश्वर में था ही नहीं, उस व्यक्ति को फॉलो किया जो परमेश्वर के वचन पर चलता था ही नहीं, और लिखा कि रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उस राजा ने बोला कि मेरे पिता ने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन मैं उससे भी अधिक और बढ़कर मैं तुम पर बोझ डालूंगा। और परमेश्वर क्या कहता है कि हे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारे बोझों को दूर करूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है कि अपने सारे बोझ जो है मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। सो आज से किसे मानना है? परमेश्वर को मानना है, परमेश्वर को जो दयावान परमेश्वर और जिसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वचन कहता है कि 17 उसकी 1 में उत्पत्ति में लिखा कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, यानी कि मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूँ। जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मुझमें बल है, मुझमें सामर्थ्य है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। 18 अध्याय में लिखा कि जब परमेश्वर अब्राहम सारा के पास आए, दूतों ने बोला कि सारा के अगले वर्ष ऋतु में बेबी उत्पन्न होगा। लिखा है वो सारा हंसने लगी, उसे असंभव जान पड़ा। और परमेश्वर ने 18:14 में क्या बोला कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो तुम सोचते हो, परमेश्वर कहता है मैं सोचों से भी परे तेरी लाइफ में करता हूँ, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे भी बढ़कर मैं तुम्हारी लाइफ में कर सकता हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जिस सिचुएशन में हो, जिस तंगी घटी में हो, तुम इसमें और ज्यादा रहो, मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ। लेकिन हमें परमेश्वर के पास आना, उस पवित्र परमेश्वर के पास आस लगानी, उस परमेश्वर से प्रेयर करनी है, उस परमेश्वर के घर में बोना है, ताकि परमेश्वर हमारी फेलियर स्पिरिट्स को खत्म कर सके। हालेलुया। ताकि परमेश्वर प्रोग्रेस की, तरक्की के रास्ते, डोर्स परमेश्वर हमारी लाइफ में ओपन कर सके। सो आज हमें ऐसे करैक्टर को, ऐसे बॉलीवुड के करैक्टर को फॉलो नहीं करना, बल्कि जीवित परमेश्वर को, जो सत्य है, जो लाइफ है, जो हमारा मार्गदर्शक है, उसके मेंटर को, उसके अगुए को फॉलो करना। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं? ब्रांचेस क्लिसियां। सो मेरा विश्वास है कि जब जीवित परमेश्वर को फॉलो करेंगे, सच में परमेश्वर आप पर दया करेगा और ब्लेस करेगा भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम बुरे होकर अपने संतान को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, तो मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों करना दूंगा। सो वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। वो कब पॉसिबल होगा? जब हम परमेश्वर के घर में प्रभु के कामों के लिए बोएंगे। सब क्लीसिया कहें आमीन। और परमेश्वर की जो इच्छा है कि परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, सामर्थ्य से भरना चाहता है। तारीफ करें सब जन, हाथों को हिलाकर प्रेयर करें कि परमेश्वर आज तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो, खुदावंद हमारे रास्तों को खोले। मनन करें एकदम से ऊंची आवाज में सभी ब्रांचेस कि हे परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, तू भला परमेश्वर है, तेरी सिद्ध इच्छा है हमें ब्लेस करने की। परमेश्वर तू उत्तम पदार्थ देता है, जब तेरी बरकत होती है तो परमेश्वर हमारा फाइनेंस भी
जो है बड़ी उपज देता है परमेश्वर, आज हम पर दया कर, हम आज तुझे धन्यवाद बलि चढ़ाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो वचन कहते हैं मत्ती 15 उसकी 32 में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास 3 दिन के लिए लोग बैठे थे, हजारों लोग और परमेश्वर से लगातार वचन सुन रहे थे, तो लिखा है कि 3 दिन से लगातार भूखे प्यासे परमेश्वर से वचन को सुन रहे थे और वे भूखे ही विदा होने लगे तो प्रभु यीशु मसीह को उन पर तरस आया। सो यानी कि परमेश्वर सिर्फ 3 दिन जो लोग परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर ने उनके बारे में सोचा और परमेश्वर कहता कि इन्हें भूखे वापस नहीं भेजना और मिरेकुलस पावर के साथ, हेवनली ग्रेस के साथ किस तरह से परमेश्वर ने रोटी और मछली सबके पेट भरे, सबकी भूख प्यास को मिटाया। सो जो व्यक्ति, जो लोग सिर्फ 3 दिन के ही टाइम गैप में परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर ने उनके लिए इतना सोचा, तो सोचो हम इतने सालों से सालवेशन पाए, इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने हफ्तों से परमेश्वर में हैं और परमेश्वर कहता है कि जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं मैं उन्हें क्यों करना, उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैंने तो 3 दिन, मात्र 3 दिन से मेरे साथ थे और मैंने उनका इतना सोचा, उनके लिए परमेश्वर कहता है मैंने उन्हें भूखे वापस ना जाने दिया। तो तुम लोग सोचो कि कितने दिनों से आप लगातार प्रेयर्स कर रहे हो, फायर प्रेयर्स कर रहे हो, रात की 8 बजे की प्रार्थना में प्रभु के दास के साथ लगातार एक मन रहते हो, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों करना दूंगा। बस याद रखना है, जब भी परमेश्वर के घर में आओ तो आप एक ऑडियंस नहीं, आप सुनने के लिए नहीं आए, किसी थिएटर में नहीं आए, लेकिन आप परमेश्वर के पवित्र जीवित घर में आए हैं, उस घर में जहां पर परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस है, आप खुद एक वर्शिपर हो, आपने खुद अपने हाथों को उठाना, धन्यवाद करना, अपने दिलों को खोलना, खुद वर्शिप करना, ताकि परमेश्वर आपको मस्से से सामर्थ से भरे, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे सके। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं, मुझे तो उन 3 दिन जो लोग मेरे साथ थे उन पर तरस आया, तो मैं क्यों करना तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर दूंगा। सो अब बात ये है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कुछ लोगों की लाइफ में पूरी नहीं होती और फिर वो कहते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा तो थी कि मैं तुम्हारी हर एक घटी को महिमा से पूरी करूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ में जो है स्वर्गीय वरदानों से भर दूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा तो थी, वचन तो था, लेकिन मेरी लाइफ में पूरा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, प्रभु की सामर्थ्य, उसकी ग्रेस हर जगह हमें अपनी सामर्थ्य के साथ, अपनी टेस्टिमनीज के साथ नहीं भरती। एक स्पेशल प्लेस, एक पवित्र स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया होता है जहां पर हमें आना है, जहां पर हमें एक वर्शिपर बनना है, जहां पर हमें अपने दिलों को खोलना है, प्रार्थनाएं करनी है, बोना है, तब परमेश्वर चुनता है और सुनता है। हालेलुया। हर जगह, उस जगह के ऊपर जहां पर परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस नहीं है, जहां पर परमेश्वर के वर्शिप सॉन्ग्स नहीं चल रहे, कहीं और सॉन्ग्स के ऊपर आप डांस कर रहे हो, तो कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपकी लाइफ में पूरी होंगी? जब आप सोशल मीडिया को परमेश्वर के वचन के लिए नहीं बल्कि किसी और माध्यम के लिए, किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हो, तो कैसे परमेश्वर आपको बरकत देगा? जब आप एक अच्छी एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी में नहीं बन पा रहे हो, तो कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपकी लाइफ में पूरी होंगी? यदि आप घंटों फोन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो परमेश्वर कैसे अपनी प्रतिज्ञाओं को आपकी लाइफ में पूरा करेगा? यदि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ किसी काम की नहीं, यदि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट टोटल जीरो है, प्रेयर लाइफ जीरो है, बाइबल रीडिंग टोटली नाम मात्र की है, सिर्फ संडे आने के लिए अपनी बाइबल को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपकी लाइफ में कैसे पूरी होंगी? तो हर जगह, एवरी टाइम, एवरी वेयर परमेश्वर हमारी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं करता, स्पेशल प्लेस के ऊपर। वचन कहता है उत्पत्ति 22 में कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने गली मोहल्ले, अपनी सोसाइटी को छोड़कर मोरिया देश, किसी फलाने देश में, उस देश के पहाड़ी स्टेट में, उस स्टेट के एक पहाड़ के ऊपर, चोटी के ऊपर एक स्थान है जिसे मैंने पवित्र किया है, उस जगह, उस स्थान के ऊपर जा और सच में मैं तुझे बरकत दूंगा और सारी जातियों के लिए बरकत का कारण बनाऊंगा। एक स्पेशल खास स्थान परमेश्वर ने ठहराया, और वो खास स्थान कौन सा? पवित्र स्थान, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का चर्च आपको दिया गया, वो पवित्र स्थान, जीवित स्थान परमेश्वर की, वो चर्च वेदी, वो भवन है खुदा का जिसमें आज आप बैठे हैं। हालेलुया, तारीफ करें परमेश्वर के पवित्र स्थान के लिए। हर जगह जहां पर डीजे चलते हैं, जहां पर परमेश्वर के दूतों का पहरा नहीं, उस जगह के ऊपर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, वचन पूरे नहीं हो सकते। परमेश्वर के घर में आना है, ऑडियंस में एक वर्शिपर बनना है, अपने दिलों को खोलना है, बीजों को बोना है, वचन को सुनना है, प्रभु के दास के द्वारा किए गए डिक्लेरेशंस के ऊपर आमीन बोलना है,
घर जाकर मनन करना है, प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर रहु व्याम नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिसमें दया है, जिसमें करुणा है। वो दयावान परमेश्वर है, करुणा करता है, मोल दाम देकर मोल लिया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर की इच्छा है हम ब्लेस हो सके, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी भूमि उपज देगी जब मैं बरकत दूंगा। हालेलुया। लेकिन कहाँ पर? परमेश्वर के पवित्र स्थान पर, जहाँ पर आज आप लोग आए हुए हैं। हालेलुया। सो एक अपने बीज को बोना है आज परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर, ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे सके। क्योंकि जब अब्राहम उस पवित्र स्थान के ऊपर पहुंचा, उसने आंखें उठाई प्रभु की ओर, और जैसे ही उसने परमेश्वर की ओर देखा, अपने पड़ोसी की ओर, पीछे वॉलंटियर की ओर, और किसी और की नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर आंखें उठाई और देखा, तो परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली तो क्या देखा कि झाड़ियों में एक मेड़ा फंसा हुआ है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, आपकी टेस्टिमनीज, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर के घर में कहीं हैं, फंसे हुए कहीं, छिपे हुए हैं। आपने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठानी, प्रभु की ओर आपने अपने ध्यान को लगाना, एक मन होना, अपने दिलों को खोलना। सच में प्रभु के घर में उत्तर है। उसका, अब्राहम का उत्तर उस पवित्र स्थान के ऊपर था। उसे पहुंचना पड़ा वहां पर, उसे अपने दिल को खोलना पड़ा परमेश्वर की ओर, उसे आंखें उठानी पड़ी, और उसने उस टेस्टिमनी को, उस मेड़े को झाड़ी में फंसे देखा, और उसने ऑफरिंग को बोया। सो उसी तरह से आपका आंसर जो है परमेश्वर के पवित्र स्थान में है। अपने दिलों को खोलना, अपने बीजों को बोना है, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट, परमेश्वर से हल करने की सामर्थ्य रखता, क्योंकि यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। सब क्लीसा कहे आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज जितने भी जन बोते हैं प्रभु ब्लेस करेगा, सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। अपने बेस्ट सीड को ऊंचा निकालें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कहता है कि सोचों से परे मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर कहता है कि यहोवा कहता है मैं तुझे उत्तम पदार्थ दूंगा, और तुम्हारी भूमि, तुम्हारा बिजनेस अपनी उपज देगा। जब तू अपने बीज को बोएगा, बीज बोना वही है जो आप परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर बोते हैं। अब्राहम ने उस पवित्र स्थान के ऊपर बोया, और लिखा है कि वो सारी जातियों, सारी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बना, विश्वास का पिता बना, पवित्र स्थान के ऊपर बोया। आप इस पवित्र स्थान के ऊपर आ गए हैं अब्राहम की तरह, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया, और अब समय बोने का है जिस तरह से अब्राहम ने बोया, ताकि परमेश्वर आपकी टेस्टिमनीज, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को आपकी लाइफ में रिलीज कर सके। सब क्लीसिया कहें आमेन। हे परमेश्वर, थैंक यू जीसस। अपने दाहिने हाथ में अपने टाइट को उठाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब क्लीसिया कहें आमेन। थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, तू दयावान परमेश्वर है। तेरी इच्छा है हमें ब्लेस करने की परमेश्वर, फाइनेंशियल ग्रो होने की तेरी इच्छा है। तेरी टेस्टिमनी तेरे पवित्र स्थान में है, तेरे पवित्र घर में है। और सच में परमेश्वर, आज तेरे पवित्र स्थान के ऊपर चर्च में हम बोते हैं, तो सच में अब्राहम की तरह तू भी हमारी टेस्टिमनीज को आज रिलीज करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और टाइटर्स कभी भी टाइट ना रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े फेथ को दर्शाया, परमेश्वर के वचन को पूरा किया, आज्ञाकारी क्रिश्चियन बने। तो हे परमेश्वर, एक एक दशमांश देने वाले को तू छू और ब्लेस कर, पाक और साफ कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो जितने भी जन परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर बोना चाहते हैं, वे भी ऊंचा उठाएं। अब्राहम ने अबीमेलक को जो है क्या किया था, उसने टाइथ अलग बोया और परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर ऑफरिंग को अलग बोया था, धन्यवाद के भेंटों को। और जितने भी हथियों को आप ऊंचा उठाएं, सभी सेवादार भी ऊंचा उठाएं, सेवादार सभी ऊंचे उठाएं, सभी ब्रांचेस में भी, ताकि परमेश्वर आपको भी छुए, ब्लेस कर सके। आप एक एग्जाम्पल है बाकी कलीसियाओं के लिए। अगर आप गरीब हैं तो आप कैसे दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं बोने के विषय में? अपने दाहिने हाथ को ऊंचा उठाएं, ताकि परमेश्वर
कि दूत आपके ऑफरिंग को, आपके आपके धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर देखे, ताकि परमेश्वर के दूत आपके ऑफरिंग को पाक, साफ, क्लीन, शुद्ध कर सके, ताकि जब भी परमेश्वर के भवन के कामों में आपका बोया गया लगे तो सच में कई गुना करके आपकी लाइफ में पे बैक हो सके। और परमेश्वर के दूत इन बोने वालों के हाथों को छुए, बरकत का कारण बनाए, प्रवेशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब क्लीसा कहे आमेन, ऊंची आवाज में आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। सो सभी जन, सभी क्लीसियन, सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन क्लीसियन, अपने बेस्ट सीड को बोएं, क्योंकि परमेश्वर के घर में बोना सच में एक प्रिविलेज है, एक ऑनर की बात है। प्रभु के घर में बोना, जब भी बोते हैं किसी टेस्टमनी के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी बोना है कि जब भी बोते हैं परमेश्वर की जीवित गवाही को आगे लेके जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह जी उठा और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे परमेश्वर ने हमें छुआ, उसी तरह से और भी लोग जो प्रभु में नहीं, उन तक भी परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे। सो इसलिए भी हम बोते हैं। सो परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के पवित्र घर को बनाने के लिए अपने बेस्ट, सबसे बड़े सीड को बोएं, ताकि परमेश्वर पाक पवित्र करे, आपको साफ करे, आपको फेवर दे, फाइनेंशियल फेवर दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।